उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो आज बारिश का मौसम है, मैंने सोचा आज पकोड़े बनाए जाएं। तो पकोड़े जो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो हैं, सबसे पहले तो आलू मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे, दो अदद हैं। प्याज दो अदद ले लिए मैंने, इसको लंबे लंबे काट लिए हैं। इसके अलावा ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची हैं, ठीक है। इसके अलावा अनारदाना मैंने ले लिया 2 चम्मच। इसके अलावा जो मुझे मसाले चाहिए वो है सब्ज़ धनिया सूखा, सूखा धनिया चाहिए, नमक चाहिए मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च, बेसन ले लिया मैंने और ऑयल ले लिया। चलें अब अपनी कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। पहले हम पेस्ट बना लेते हैं, बेसन के लिए जो हमें पेस्ट चाहिए होता है वो बना लेते हैं और फिर अपने पकौड़े तैयार करते हैं। बाउल ले लिया है, उसमें मैं अपने ऐड करने जा रही हूँ ये प्याज ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं आलू ऐड करने जा रही हूँ और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची। ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इसमें अनारदाना ऐड करने जा रही हूँ। अनारदाना ऐड करने के बाद मैं इसमें सब्ज़ धनिया सूखा धनिया ऐड करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत हुआ तो मैं और डाल लूँगी। इसके अलावा मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालने जा रही हूँ 1 चम्मच। अच्छा जी, अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इस तरह से इनको मिक्सअप करने के बाद जो मेन चीज़ है बेसन है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पकोड़ों को किस तरह रखना चाहते हैं। मैं 2 चम्मच बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया। अब मैं इसमें पानी ऐड करती ऐड करने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए, अचानक से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। रेडी हो चुका है, ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है। मेरा पकोड़ों का पेस्ट रेडी हो चुका है। अच्छा जी, पेस्ट रेडी हो चुका है, अब हम इनको पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो मैं कढ़ाई रख देती हूँ चूल्हे पर लो फ्लेम पर। कढ़ाई मैंने रख दी है, ऑयल गर्म हो रहा है। जैसे ही गर्म होता है मैं इसमें पकौड़े ऐड करूँगी। अच्छा जी, ऑयल गरम हो चुके हैं, मैं इसमें आप पकोड़े ऐड करती हूँ। मैं हाथ से ही पकोड़े बनाती होती हूँ, आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, मैं हाथों से ही डालने लगी हूँ। ये देखें, फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना पकोड़े अंदर से कच्चे ही रहेंगे और ऊपर ऊपर से जल जाएंगे। अच्छा जी, मैंने पकोड़े ऐड कर दिए, अब इसको हम पकने देते हैं, फिर जब एक साइड से पक जाएंगे हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पकोड़े एक साइड से पक चुके हैं, अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं और इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह पकाते हैं। अच्छा जी, पकोड़े मेरे रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो सब्ज़ चटनी बना सकते हैं। अगर आपको सब्ज़ चटनी की रेसिपी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, मेरे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी।